हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप फर्दर द चैप्टर स्क्वायर. हाउ मेनी स्क्वायर्स दिस फिगर वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट क्लास. इसमें आपने फाइव स्क्वायर से जितने फिगर बन सकते हैं दैट यू मस्ट हैव ट्राइड दैट मैक्सिमम फिगर्स ऑफ फाइव स्क्वायर्स यू कैन गेट अप टू 12 शेप्स. 12 shapes you can get. So how many different shapes can you draw? 12. Which shape has the longest perimeter that you should calculate? Which shape has the shortest perimeter? वो भी आपको ही calculate करना है जब आप बना लेंगे सारे 12 shapes. What is the area of the shapes? Area तो सभी shape का 5 square centimeter होगा क्योंकि हमने 5 square से ही बनाया है. So area 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ही count करना है. नेक्स्ट, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स. तो इससे आपको पता चलता है कि उससे 5 स्क्वायर से आप 12 शेप्स बना सकते हैं. उन 12 शेप्स को इन्होंने फिर इधर अरेंज किया है 10 × 6 रेक्टेंगल्स. एक रेक्टेंगल बनाया है जिसमें 1 × 3 4 5 6 सिक्स ब्रेड्थ है और लेंथ 10 है. सो 10 × 6 रेक्टेंगल एज देर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स. 10 रोज 1 2 3 4 इस तरह से होती है, रो होती है और इस तरह से कॉलम. ये 10 × 6 है तो 10 रोज बोल रहे हैं और 6 कॉलम्स बोल रहा है. 6 कॉलम मतलब इस तरह से कॉलम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और रोज होती हैं इस तरह से 10 रोज. दीज आर 10 रोज. सो इट इज़ अ 10 × 6 रेक्टेंगल. यू विल सरप्राइज टू नो दैट देयर आर मोर देन 2000 वेज इन विच दी शेप्स मेक ए 10 × 6 रेक्टेंगल. अब यहाँ पे इस तरह एक तरह 5 स्क्वायर्स के 12 शेप्स को अरेंज किया हुआ है पजल फॉर्म में. इस तरह से वो बोल रहा है कि अलग अलग शेप्स को आप 10 × 6 रेक्टेंगल में 2000 से भी ज़्यादा वेज में अरेंज कर सकते हैं. सो ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम. तो ये जितने 12 शेप्स हैं 5 स्क्वायर्स के यही आपको इधर भी बनाने हैं इस वाले शेप में. देन इन्हीं को आप एक शीट में बनाकर काटिए अलग अलग शेप को और ट्राई टू रीअरेंज योर शेप्स इन सम अदर वे. और 10 × 6 रेक्टेंगल इसमें से ले लीजिए. यहाँ पे 10 × 6 रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 10 इस तरह से रेक्टेंगल बनाइए. उसमें वो कट किए हुए रेक्टेंगल स्क्वायर्स के शेप्स को अरेंज कर सकते हैं. डिफरेंट वे में अरेंज करिए. यहाँ पे कोई दूसरा लगा दीजिए, ये वाला शेप यहाँ लगा दीजिए, ये वाला शेप यहाँ लगा दीजिए, ये इधर लगा दीजिए. इस तरह से सबको अरेंज करना है. सो वो अरेंजमेंट आप 2000 से भी ज़्यादा अलग अलग वेज में कर सकते हैं. ट्राई अनदर पजल. यू हैव टू मेक इट 5 × 12 रेक्टेंगल. 5 × 12 रेक्टेंगल ये बनाया है 3 4 5 6 ये तो 6 का ही है. 5 × 12 का रेक्टेंगल बनाना है विद दीज 12 शेप्स. देयर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट. इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट. अगर उसमें से एक भी आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5 और 12 का बनाना है अभी रेक्टेंगल. 5 मतलब 5 कॉलम रहेंगे ऐसे और 12 रो. उसमें ये जो 12 शेप्स कट करेंगे उनको उसमें अरेंज करना है. अगर उस एक तरह से भी आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा तो बहुत ग्रेट, इट्स ग्रेट वर्क. उसके भी बहुत सारे वेज होते हैं. आप करोगे फिर आपका फ्रेंड करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप उसको कर सकते हैं. दैट मे बी मोर देन 1000 वेज. हियर इज ए चेस बोर्ड. प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स. अभी ये कार्डबोर्ड है, ये आपका चेस बोर्ड है. चेस बोर्ड के घर में हो गई इस तरह से. उसमें 64 ब्लॉक्स होते हैं चेस बोर्ड में. उसमें आपके पास जो 12 शेप्स का सेट है उससे उसको खेलना है. फर्स्ट प्लेयर मेक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड प्लॉट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स. वो कट शेप जिस तरह से ये एक शेप है इसको इसने यहाँ पे लगा दिया. फिर इसके पास दूसरा शेप होगा वो लगाएगी. द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड बट मस्ट ओवरलैप द फर्स्ट शेप. वो इसके पास भी इस तरह का ही शेप होगा तो ये भी इसके ऊपर ये शेप लगा देगी तो ओवरलैप हो जाएगा. कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर. हूएवर पुट्स द लास्ट पीस विंस. इस तरह से अलग अलग शेप लगाते जाइए और जो पहला जिसके पहले ख़त्म हो जाएंगे वो विनर है. मेक यूर ओन टाइल. रिमेंबर द फ्लो पैटर्न्स इन मैथमेजिक बुक 4.
यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक ए पैटर्न सो दैट देयर वर नो गैप्स लेफ्ट. टाइल पैटर्न फ्लोर पैटर्न पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पे भी फ्लोर पैटर्न्स बनाना है टाइल्स से. Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? Can you find the tile which is repeated to make each of these floor patterns? यहाँ पे टाइल्स को रिपीटेडली लगाते हैं किसी भी फ्लोर पैटर्न को. आपकी आपके घर में भी फ्लोर होगा तो वहाँ पे ऐसे टाइल्स लेते हैं और उनको साथ साथ लगा के पैटर्न बनाया जाता है. सर्कल ए टाइल इन ईच पैटर्न. अब ईच पैटर्न में आपको ढूंढना है कि टाइल कौन सी, एक सिंगल टाइल कौन सी है जिसको रिपीटेडली लगाया गया है तो आपका फ्लोर पैटर्न बनाया. तो यहाँ पे दो टाइल हैं कि ये इस तरह वाली और एक इस तरह वाली. इसमें तो ये एक टाइल ये है और एक टाइल ये है, हाफ हाफ. आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न Ziri वॉन्टेड टू मेक हर ओन येल्लो टाइल. यू टू मेक ए टाइल दिस वे. आप भी इस तरह से टाइल बना सकते हैं. टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट. कार्डबोर्ड का थिक पेपर ले, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बना लीजिए. ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. उसके किसी साइड में ट्रायंगल बना लो. देन ड्रॉ अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम साइड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर. अभी एक बाहर बनाना है और एक अंदर बनाना है. ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3. कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी. अब यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल बनाया था उसको कट कर दीजिए तो आपकी टाइल बन गई. ट्रायंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. तो ये इस तरह से टाइल आप बना सकते हैं. They make a pattern using your tile. Trace the shape to repeat it on a page. But remember, there must be no gaps between them. Ziri made a pattern using her yellow tiles. You know the area of her tile. Her tile area तो हम यहाँ find कर सकते हैं किस तरह से. ये तो half हो जाएगा और ये पूरा area कितना, 3 सेंटीमीटर की style थी तो area 3 3 9 हो जाएगा. 9 में से ये ट्रायंगल हमने कट कर दिया और ये ट्रायंगल ऐड कर दिया तो 3 3 9 का हाफ होता है 4.5. तो 4.5 कट हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा तो फिर से सेम ही एरिया आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है. अभी इसने जो येलो टाइल बनाई है इसको यहाँ पे देखिए, ये इसकी टाइल है. इसको इन्होंने बहुत सारी टाइल्स को अरेंज कर दिया तो एक फ्लोर पैटर्न बन गया है. आंसर दीज, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड. यहाँ पे इसने कितनी टाइल्स यूज़ की हैं. ये देखिए ये वाली जो टाइल है ये उसने बनाई है. ये देखिए ये दिस टाइल शी हैड मेड. और इसको फिर अरेंज कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से. आप ये वाला अगर ये वाला जो बॉक्स है इसको काउंट कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न Ziri हैज मेड हियर. इसका फ्लोर पैटर्न का एरिया आपको फाइंड करना है. तो जितने आपको यहाँ पे ये फूल मिलेंगे उतना एरिया एक का हो जाएगा. उसी को इनटू कर देंगे नंबर ऑफ टाइल्स से. Ziri ट्राई टू मेक सम अदर टाइल्स. शी स्टार्टेड विथ ए स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दीज. लुक एट दीज केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल ए फ्लोर विदाउट एनी गैप. डिस्कस व्हाट इज एरिया ऑफ दीज शेप्स. मेक डिजाइंस इन योर कॉपी बाय टिलिंग दीज दो शेप्स. नाउ क्रिएट योर ओन टाइल्स आउट ऑफ स्क्वायर. कैन यू मेड सेम विद ए ट्रायंगल, ट्राई डूइंग इट. यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइल्स बनाई हैं कि ए टाइल है, बी टाइल है, सी टाइल है, डी टाइल है. इसमें फिगर आपकी बुक में देखिएगा, इसमें बाहर डिज़ाइंस बने हुए हैं इस तरह से. इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सी टाइल फ्लोर पैटर्न विदाउट गैप्स बना सकती है. तो ये वाला जो है इसको अगर हम एक और टाइल यहाँ पे लगा देंगे तो इस तरह से बन जाएगी तो इसमें यहाँ पे गैप आ जाएगा. सो ए जो टाइल है वो उससे फ्लोर पैटर्न विदाउट गैप्स नहीं बन सकता. फिर इसी तरह से आप देखिएगा बी में भी नहीं बन पाएगा. सी और डी में फ्लोर पैटर्न जब आप एक साथ टाइल्स को जोड़ेंगे
तो यू विल गेट नो गैप्स, विदाउट गैप्स आपको फ्लोर पैटर्न मिल जाएगा जिस तरह से ये बनाया हुआ है. तो दैट इन सी एंड डी यू विल गेट द फ्लोर पैटर्न विदाउट एनी गैप्स. फिर वो पैटर्न बनाने के बाद उसका एरिया फाइंड करना है. दिस यू ट्राई आउट इन द नेक्स्ट क्लास. आई विल गिव यू द आंसर्स. थैंक यू.